सो माई डी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 30th क्वेश्चन है. क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज हेल्ड अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल बाई प्रेसिंग इट विथ अ फिंगर. ओके, हमारे पास में एक रफ वर्टिकल वॉल है ना, ये एक वर्टिकल वॉल है और इसके ऊपर एक ब्लॉक को हमने हेल्ड कर रखा है और यहाँ पर हम एक फोर्स फिंगर की हेल्प से लगा रहे हैं, मान लेते हैं एफ फोर्स लगा रहे हैं. ओके, इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल इज म्यू, है ना, यहाँ पर कोफिशियंट फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी. कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाइड बाय द फिंगर टू होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल. ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसका एफ वी डी बनाते हैं, है ना, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एफ वी डी बनाते हैं, हमको ये पता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, म्यू लग रहा है ना. एफ वी डी बनाएंगे तो ये जो एफ है, ये जो एफ है ये ऐसा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इसके अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन वॉल बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा. तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू जो होगा वो एफ के बराबर होगा, क्योंकि ये इस वॉल के परपेंडिकुलर मूव नहीं कर सकता है ना, तो यहाँ पर ये इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में रहेगा. और अगर इस हम फ्रिक्शन की बात करें तो डेफिनेटली अगर ये ब्लॉक नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड ही मूव करेगा, नीचे वेट जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा तो डाउनवर्ड ही मूव करने की टेंडेंसी होगी, और अगर ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा, और फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा और ये स्टेशनरी है तो फ्रिक्शन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा. अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फ्रिक्शन शुड बी स्टेटिक. कंडीशन क्या है, ये फ्रिक्शन स्टेटिक होना चाहिए, मतलब कि ये इसके ऊपर मूव नहीं करना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन जो है वो स्टेटिक होना चाहिए, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से हमेशा कम होना चाहिए, नहीं तो ये मूव करने लग जाएगा और नीचे गिर जाएगा. ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स एफ शुड बी लेस देन एफ मैक्स, दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू एफ है ना, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है, एम जी है, तो एम जी शुड बी लेस देन म्यू इनटू एफ. ओके, सो एफ शुड बी ग्रेटर देन एम जी बाय म्यू. ओके, तो यहाँ पर बोला है मिनिमम, तो मिनिमम के लिए इक्वल कर दो, यहाँ पर इक्वल भी लगा सकते हैं आप, है ना, तो यहाँ पर मिनिमम फोर्स कितना होगा, मिनिमम फोर्स होगा एम जी डिवाइडेड बाई म्यू. ओके, तो यहाँ पर फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को और स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या यूज़ है वो हमको समझ में आता है इस क्वेश्चन से. थैंक यू वेरी मच.